भक्तों बोलिए श्री वैष्णो मैया की जय। तो भक्तों आइए आज आप सभी को माँ वैष्णो धाम की एक सच्ची कथा भक्त श्रीधर की आप सभी को सुनाते हैं। और जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भाव भक्ति से सुनते हैं माँ उनका कल्याण करती हैं। जय माता दी। करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण। सच्चे मन से जो भी आए, सच्चे मन से जो भी आए, देती है वरदान। करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का जम्मू में कटरा नगरी बड़ी ही पावन सुथरी, भक्त एक माँ का वहाँ पर था जिसका नाम श्रीधर। भक्त एक माँ का वहाँ पर था जिसका नाम श्रीधर। बोलिए श्री वैष्णो मैया की जय। भक्तों आज हम आपको माँ वैष्णो देवी की कथा सुनाते हैं कि कैसे माता रानी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनके सभी कष्ट दूर कर देती है। माता को जो भी भक्त सच्चे मन से याद करता है माता रानी उनकी पुकार सुनकर जरूर आती हैं और सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी। करे वो माँ की पूजा नहीं कोई काम था दूजा, भक्त वो बड़ा ही निर्धन फिर भी कर कन्या पूजन। भक्त वो बड़ा ही निर्धन फिर भी कर कन्या पूजन। लेकिन श्रीधर के घर में, लेकिन श्रीधर के घर में ना थी कोई संतान। करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का श्रीधर की सुनकर माँ ने सपने में आकर बोली कि मत करो चिंता होगी सब पूर्ण इच्छा। बोली कि मत करो चिंता होगी सब पूर्ण इच्छा। तो भक्तों इस तरह भक्त श्रीधर हर रोज सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके माँ की पूजा पाठ करता और समय समय पर कन्याओं को भोजन करवाता। लेकिन भक्त श्रीधर को एक ही चिंता सताए जाती कि मेरा वंश कैसे चलेगा। एक दिन पूजा अर्चना के बाद भक्त श्रीधर माँ से विनती करने लगा कि माँ मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ, क्या मैं इसी तरह बदहाली में रहूँगा
और मेरा वंश चलेगा कि नहीं। लगाओ एक भंडारा, बुलाओ गांव को सारा, जो भी कोई मिलता जाए वो भोजन करने आए, जो भी कोई मिलता जाए वो भोजन करने आए। कह श्रीधर को इतना मां, कह श्रीधर को इतना मां, हो गई अंतर ध्यान, करे मां भक्तों का कल्याण, करे मां भक्तों का कल्याण, करे नाम मेरा भैरव नाथ है, तुम्हें क्या नहीं ज्ञात है, नहीं यहाँ हम है अकेले, है मेरे सैकड़ों चेले, नहीं यहाँ हम है अकेले, है मेरे सैकड़ों चेले। भक्तों, जब सुबह श्रीधर की आंखें खुली तो उसने सोचा कि माँ, ये जो आपका आदेश है मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं तो इतना निर्धन हूँ, ये कैसे हो पाएगा। फिर हर रोज की तरह उसने माँ की पूजा अर्चना की और माँ का आदेश मानकर गांव की ओर चल दिया। जो भी मिलता उससे कहता कि कल मेरी कुटिया में माता का भंडारा है और रास्ते में भैरवनाथ का डेरा पड़ता था। उसने उसे भी न्योता दिया। उसकी बात सुनकर भैरव बोले, नाम मेरा भैरवनाथ है, तुम्हें क्या नहीं ज्ञात है, नहीं यहाँ हम है अकेले, है मेरे सैकड़ों चेले, नहीं यहाँ हम है अकेले, मेरे सैकड़ों चेले। सभी वो साथ में आए और सब भोजन खाए, न इतना घर में तेरे अन्न, तुम तो बड़े हो निर्धन, न इतना घर में तेरे अन्न, तुम तो बड़े हो निर्धन। लौट जवाब से अब भी श्रीधर, लौट जवाब करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण। खेल ही न्यारा, भरा है सब भंडारा, माँ का था खेल ही न्यारा, भरा है सब भंडारा। तो भक्तों, बोलिए श्री वैष्णो मैया की जय। बाबा भैरवनाथ की बातें सुनकर श्रीधर पंडित ने हाथ जोड़कर सारी बातें बताई और कहने लगे कि माता के आदेश से मैं भंडारा लगा रहा हूं। तो भैरवनाथ ने सोचा कि देखते हैं क्या सच में श्रीधर को कोई कन्या दिखाई दी, अगर ऐसा है तो देखा जाए।
कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दम पर श्रीधर पंडित भंडारा लगा रहा है और भैरवनाथ ने भंडारे में आने की हामी भर ली। हलवा पूड़ी मिठाई सबने भर पेट है खाई, कन्या बड़ी ही सुंदर बांट रही सबको जाकर। उस कन्या की तरफ गया जब, उस कन्या की तरफ गया जब भैरव जी का ध्यान, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण। मैं न भोजन ये खाऊं, पीने को मदिरा चाहूं, नहीं भोजन ये चाहिए, खाने को मांस लाइए। नहीं भोजन ये चाहिए, खाने को मांस लाइए। भक्तों, भक्त श्रीधर ने देखा कि सुबह सब भंडारा तैयार हो गया, वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सब ग्रामवासी आ गए, भक्त सबको बड़े प्रेम और आदर भाव से भंडारा खिलाने लगे। एक बड़ी ही अद्भुत कन्या सबको भोजन करा रही थी। बाबा भैरवनाथ की उस कन्या पर नजर पड़ी तो उसने सोचा कि जरूर इस कन्या में कोई शक्ति है। वो कन्या से कहने लगे, बोलिए जान लो तुम, बात मेरी मान लो तुम, लाज न तुमको आए, साधुओं को क्यों लजाए। लाज न तुमको आए, साधुओं को क्यों लजाए। हाथ पकड़ना चाह कन्या, हाथ पकड़ना करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण। चाहे कहीं भी जाके ढूंढ लूंगा मैं आके, छुपो चाहे कहीं भी जाके ढूंढ लूंगा मैं आके। भक्तों, भैरव ने सोचा कि जरूर इस कन्या में कोई खास बात है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने कन्या से कहा कि हे कन्या, हमें ये भोजन नहीं करना, हमें मांस और मदिरा सेवन करना है। तो कन्या कहने लगी, बाबा ये वैष्णो भंडारा है, साधु होकर मांस और मदिरा की मांग कर रहे हो, कैसे साधु हो तुम। भैरव को कन्या की बात पर क्रोध आ गया और उठकर जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, कन्या ओझल हो गई। भैरव ने अपने तपोबल से देखा कि कन्या त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई, तो उसके पीछे लग गए।
तो माता ने गुफा में अपने आप को छुपा लिया और भैरव कहने लगे, पास गुफा के आया साधु एक उनको पाया, बोला भैरव बच जाओ वक्त है लौट ही जाओ, भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का संभालो कन्या को बाहर निकालो, बोला मेरा वार संभालो कन्या को बाहर निकालो। भक्तों, भैरवनाथ ने उस साधु की एक बात ना मानी और उसको फटकार लगाते हुए गुफा में घुसने लगा। माता ने सोचा कि भैरव बड़ा ही अनाड़ी है, तो अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले भाग में से रास्ता बनाकर निकल गए और त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जाकर फिर से एक गुफा में जाकर बैठ गई। लेकिन भैरवनाथ ने जिद ना छोड़ी और खोजते हुए वहीं पहुंच गया और देखा कि गुफा द्वार पे लांगुर वीर पहरे पे बैठे हैं। जो लांगुर को ललकारा मिला है जवाब करारा, जो भैरो पड़ गया भारी आई फिर माँ की बारी, जो भैरो पड़ गया भारी आई फिर माँ की बारी। भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का कल्याण करे माँ, भक्तों का पाया गर्व ने है भरमाया, तुम्हें पहचान न पाया गर्व ने है भरमाया। भक्तों, बोलिए वैष्णो मैया की जय। जब माता ने देखा कि भैरवनाथ लांगुर वीर को हरा देगा तो खुद अष्टभुजा रूप में आ गई और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ की गर्दन पर वार कर दिया। माता के वार से भैरवनाथ की गर्दन कटकर दूर जा गिरी, तो भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ से माफी मांगने लगा। मुझे तुम माफ कर दो, ऐसा कोई मुझको वर दो, तप भंग ये मेरा चरण का दास मैं तेरा, हो ना
करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का के तो अधूरे माने जाए, वरना दर्शन उसके तो अधूरे माने जाए। तो भक्तों बोलिए श्री वैष्णो मैया की जय। भैरव के वचनों को सुनकर माता कहने लगी, हे भैरवनाथ, तुमने अपने तपोबल का गलत इस्तेमाल किया और अभिमान किए, इसीलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। अब तुम्हारा अभिमान दूर हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और जो तुम्हारा तप है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज के बाद जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो तुम्हारे दर्शन भी करेगा, वरना उसे दर्शनों का फल प्राप्त नहीं होगा। जो माँ के दर है आना तो भैरव मंदिर जाना, यात्रा तब हो पूरी, भैरव दर्शन है जरूरी। भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का समाए, सफल हुई भक्ति मेरी, माँ ये कृपा है तेरी, सफल हुई भक्ति मेरी, माँ ये कृपा है तेरी। भैरवनाथ को वरदान देकर माता रात को श्रीधर पंडित के सपने में आती हैं और उन्हें भी वरदान देती हैं कि हे श्रीधर, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे और आज के बाद तुम्हारा वंश ही मेरा पूजा करेगा। जय माता दी। जो करते सच्ची भक्ति उसे माँ दे ना सकती, तेरे दर जो भी आए कभी ना खाली जाए, तेरे दर जो भी आए कभी ना खाली जाए। अपने सच्चे भक्तों पे ये करना माँ एहसान, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों।
अवतार श्रीधर भक्त ने फरियाद की, हे माता रानी, जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करते हैं उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करना। अतः भक्तों, सच्चे मन से माता की भक्ति करने वालों की सब इच्छाएं माता पूरी करती हैं और युगों युगों से माँ भक्तों पे कृपा की बरसात कर रही है। ये डीएस पाल ने माना, माँ की महिमा को जाना, ये तो माँ तेरा करम है, चली जो मेरी कलम है। सुरेश कुंवर ना मैया, फौजी सुरेश कुंवर ना मैया, ना इतना है ज्ञान, करे माँ भक्तों का कल्याण, करे माँ भक्तों का कल्याण।